आज यहाँ पर उपस्थित हम सब में सबसे जवान श्री जनार्दन भाई पटेल, भावनगर की एमपी, शहीद सैनिक परिवार सहाय ट्रस्ट के सभी फंक्शनरीज, श्री आशीष जी, सभी शहीद परिवार गण जो यहाँ मौजूद हैं, एक्स आर्मी मैन, प्रेजेंट आर्मी मैन, देवियों सज्जनों और मेरे प्यारे युवा साथियों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने मुझे यहाँ भावनगर में बुलाया और मुझे एक मौका दिया कि मैं आप सबके बीच में अपनी बात रख सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद। खासकर मैं श्री जनार्दन भाई पटेल और आशीष जी को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष से हम लोग लगातार टेलीफोन पे संपर्क पे हैं और एक बहुत ही अपनापन हो गया था। आज पहली बार दोनों से मुलाकात हुई है, बहुत मुझे अच्छा लग रहा है। मैं इंडियन पुलिस सर्विस यानी कि भारतीय पुलिस सेवा में पिछले 21 वर्षों से काम कर रहा हूं और पिछले 5 साल से मैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स में काम कर रहा हूं। और कई बार मैं सोचता था कि जब हम लोग होली मनाते हैं, दिवाली मनाते हैं, कोई भी पर्व मनाते हैं, उसमें मैं अपने आप को इंक्लूड करता हूं एज अ सीनियर पुलिस ऑफिसर, तो क्या हमारे मन में कभी ये विचार आता है कि हमारे जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के जवान हैं, बीएसएफ के, सीआरपीएफ के, आईटीबीपी के, जितने भी जवान हैं आर्मी के, पुलिस वाले, वो अपने परिवार से कितना दूर हैं, वो कितनी विषम परिस्थितियों में काम कर रहे हैं, कितने कष्ट में काम कर रहे हैं, क्या कभी हम उनके बारे में सोचते हैं? हम लोग अखबार में अक्सर पढ़ते हैं कि जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर बीएसएफ का एक जवान शहीद हो गया, छत्तीसगढ़ में नक्सल ब्लास्ट के अंदर सीआरपीएफ के 30 जने शहीद हो गए। तो क्या हम लोगों के लिए वो केवल एक आंकड़ा था कि न्यूज में हमने पढ़ा 30 जने मर गए, थोड़ा सा दुख मनाया और फिर हम आगे बढ़ गए? तो कई बार मैं ऐसी चीज सोचता था तो काफी दुख होता था मुझे। अक्षय कुमार जैसा अभी अपने वीडियो में भी देखा, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और अक्सर हम लोग इस बारे में बात करते थे कि अक्षय जी, आप अकेला कितना देश के जवानों के लिए कोशिश करोगे? हमारे देश में बहुत लोग और ऐसे हैं जो अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार, करोड़पति भी हो सकता है, एक साधारण इंसान भी हो सकता है, जो चाहता है कि मैं देश की जितनी भी हमारी सशस्त्र बल हैं, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, जितने भी यूनिफॉर्म सर्विसेज हैं, सबके लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। तो उसके लिए क्या किया जाए, तो क्यों ना एक वेब पोर्टल बनाया जाए। आजकल तो वैसे भी हर आदमी दिन भर मोबाइल पर ही चिपका रहता है, कोई ना कोई या तो ऑनलाइन शॉपिंग करता है, कुछ ना कुछ और काम करता है, तो मोबाइल के जरिए क्यों नहीं हम देश के वासियों को एकत्रित करें और कोशिश करें कि वो लोग हमारे इंडिया के सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, उनको सपोर्ट करें। तो कई बार जब आप कोई चीज अच्छी सोचते हैं तो ईश्वर भी आपकी मदद करते हैं। हमने ये प्लान बस बात किया ही था आपस में कि 7 दिन बाद माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह स्वयं जैसलमेर पधारे मेरे ही ऑफिस में। तो आप सोचिए कि ईश्वर चाहता था कि ये पुण्य काम हो। वो जैसे ही आए, मुझे मौका बहुत अच्छा मिला, उनको जाके मैंने ये पूरी बात बताई कि सर ऐसे ऐसे एक आइडिया हमारे दिमाग में है। वो काफी प्रसन्न हुए, उन्होंने बोला कि अब एक प्रेजेंटेशन हमको भिजवाइए। फिर यहाँ तक कि माननीय प्रधानमंत्री के ऑफिस में इस पूरे विषय पर डिस्कशन हुआ। मेरी जानकारी के अनुसार ये पूरा जो नाम है भारत की वीर, ये प्रधानमंत्री के ऑफिस से आया है, बहुत ही बढ़िया नाम उन्होंने दिया है। और जैसा अक्षय ने आपको उस वीडियो में बोला कि मात्र 2.5 महीने में भारत सरकार ने इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया और वेब पोर्टल आपने देखा कितना आसान है, मुश्किल से 2 मिनट में आप लोगों ने भी इसमें कंट्रीब्यूशन किया। तो पिछले 1.5 वर्ष में हम लोगों ने अपने प्रयासों से करीब 45 करोड़ रुपए इसमें रेज किए थे और पुलवामा की जो त्रासदी हुई है, मतलब बहुत दुख की घटना है, लेकिन पूरे देश में आक्रोश था, गुस्सा था, लेकिन अक्सर ये आक्रोश और गुस्सा सिर्फ बातों में रह जाता था या फिर व्हाट्सएप और ट्विटर पर रह जाता था कि ऐसे करो वैसे करो। लेकिन पहली बार ऐसा हुआ कि पूरा देश एकजुट हुआ, उन्होंने अपने पूरे गुस्से को एक बहुत सही दिशा में नियंत्रित किया। और आपको जानकर बहुत खुशी होगी कि भारत की वीप वेब पोर्टल में पुलवामा के बाद मात्र 10 दिन में करीब 150 करोड़ रुपए आए। तो मेरे को एक तरफ तो बहुत दुख है कि हमारे 40 बहादुर जवानों ने अपनी जान देश के लिए गंवाई, बहुत दुख है, आप सबको बहुत दुख है,
पर साथ ही ये संबल मिलता है कि पूरा देश इस विषम परिस्थिति में हमारी सेनाओं के पीछे, हमारी पुलिस के पीछे, हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस के पीछे एकजुट खड़ा है। साथ ही मैं आप लोगों को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। जैसे मैंने अभी बताया कि भारत की वीर को पूरे देश का सपोर्ट है, और लेकिन स्पेशली मैं श्री जनार्दन भाई पटेल और शहीद सैनिक सहाय परिवार ट्रस्ट को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि बिना किसी ये शब्द तो ठीक नहीं रहेगा, मतलब बिना किसी खुद के पर्पस के, बिना खुद के स्वार्थ के पिछले 1.5 वर्ष से आप लोग हमारी मदद कर रहे हैं। जब मैंने ये बात माननीय गृह मंत्री श्री राजनाथ सिंह साहब को बताई, वो बहुत प्रसन्न हुए, वो आए और स्पेशली आप सब लोगों को उन्होंने बोला जैसे आपने फोटोग्राफ्स में देखा है। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आज मैं आप लोगों के बीच में हूं, और जनार्दन भाई का तो पूरी देश की सारी फौज उनकी संतान है। मैं जहां जाता हूं उनके बारे में लोगों को बताता हूं, अक्षय कुमार को, सबको आपके बारे में बहुत कुछ पता है, और बहुत गर्व होता है कि आप जैसे लोग हैं यहां पर। मैं देख रहा हूं जो हमारे बुजुर्ग वो यहां पर बैठे हुए इतनी देर से, जो मेरे जनरेशन के लोग हैं वो भी हैं, और जो देश का भविष्य वो भी यहां पर बैठा हुआ है। आप ही लोगों की वजह से देश की जो हमारी जितनी यूनिफॉर्म फोर्सेस हैं, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, पुलिस, हम सबको एक संबल मिलता है, एक बल मिलता है कि आज हम लोग देश के लिए लड़ रहे हैं। अगर हमारे प्राणों की आहुति भी चली हो जाती है तो आप लोग पीछे खड़े हुए हैं। देखिए, जो पैसा या जो कंट्रीब्यूशन आप लोग कर रहे हैं उससे किसी जवान की जिंदगी तो वापस नहीं आ सकती, चाहे 15 लाख रुपए दें चाहे 15 करोड़ रुपए दें, लेकिन एक बहुत बड़ा उसको मन में एक विश्वास जगता है कि जो मेरा सेक्रीफाइस है वो बिना किसी कारण के नहीं जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, हर होली दिवाली में मैं सोचता था कि क्या हमारे देश के वासियों को कुछ उनकी परवाह है कि वो लोग क्यों इतने दूर अपने परिवार से लड़ रहे हैं, किसके लिए लड़ रहे हैं। लेकिन आप जैसे लोगों के लिए लड़ रहे हैं, और आप लोग जो भी ये कॉन्ट्रीब्यूशन करते हैं तो हमारा विश्वास और बढ़ जाता है कि देश की जनता हमारे पीछे खड़ी हुई है हमेशा। बीएसएफ का एक जवान, मैं जैसलमेर में 5 साल कार्यरत था, बीएसएफ का जवान वहां पे 50 डिग्री टेम्परेचर गर्मियों में, सर्दियों में 0 डिग्री टेम्परेचर में काम करता है। पानी की घनघोर समस्या है, भारत सरकार उनके लिए बहुत कुछ करती है, बहुत सुविधाएं उपलब्ध कराती है, बट फिर भी हम लोग नेचर से नहीं लड़ सकते हैं, जो मौसम है उसको तो हम नहीं बदल सकते हैं। साथ ही साथ हर जवान अपने परिवार से साल में लगभग 10 महीने दूर रहता है, उसको हम लोग छुट्टियां भी देते हैं पर फिर भी उसको देश के प्रति अपनी ड्यूटी भी निभानी होती है। लेकिन मैंने कभी भी किसी बीएसएफ जवान के मुंह से एक बार भी नहीं सुना कि सर गर्मी बहुत है, हमको पसीना में हमारी वर्दी तर बतर हो जाती है, या हमको पानी की दिक्कत हो रही है। जब भी मैं किसी सीआरपीएफ के जवान से मिलता हूं, किसी भी आर्मी के जवान से मिलता हूं, किसी के मुंह से मैंने आज तक शिकायत नहीं सुनी। सिर्फ यही सुना हर बीएसएफ के जवान से, जब भी वो हमेशा अपना लास्ट स्टेटमेंट देता था, जब मैं मिलता था उनसे एज अ सीनियर ऑफिसर, वो बोलते थे सर आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ूंगा, बिना सीनियर कमांडर की इजाजत के पोस्ट को नहीं छोड़ूंगा। सो आप देख रहे हैं हमारी भारत की प्रथम रक्षा पंक्ति है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल, जिसका जवान अपने कमांडर को इतने जोश से बोले कि सर आखिरी गोली आखिरी दम तक लड़ूंगा, बिना आपकी इजाजत के स्पोर्ट से नहीं हटूंगा। तो बहुत गर्व होता है कि मैंने भी ये वर्दी पहनी है। कई बार लोगों को लगता है कि लोग नौकरी कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसा ही बोलते हैं कि अरे भाई ये तो नौकरी है, लेकिन जब आप ये वर्दी पहनेंगे आपको जो उसकी फीलिंग आती है एक अलग ही हो जाती है। मेरे को एक्टर्स बताते हैं कि वो फिल्मों के लिए जब वर्दी, नकली वर्दी पहन लेते हैं, उसके बाद उनको एकदम अलग सी फीलिंग आ जाती है। तो सोचिए हम लोग तो रोज ये वर्दी पहनते हैं। अभी मुझे कुछ जवान यहाँ पे मिले, उन्होंने बताया सर हम लोग पहले बीएसएफ में काम करते थे। मुझे बहुत गर्व है कि ये लोग अभी भी आप लोगों की सुरक्षा में हैं, या आर्मी के लोग भी हैं, हर जना बैठा हुआ है। मुझे बहुत बहुत गर्व है सारी भारत की तमाम फोर्सेस पे, जिनकी वजह से आज देश सुरक्षित है, हमारा देश आगे बढ़ रहा है, हम लोग इंडिया की सुपर पावर होने की बात कर रहे हैं, बिल्कुल सुपर पावर बन चुका है, और आने वाला समय हमारा ही, हमारे देश के जितने युवा साथी नन्हे मुन्ने बच्चे यहाँ बैठे उनका है। लेकिन उसके पीछे कितनी शहादत है इसकी कहानी आज आप लोगों ने बताई, मुझे बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत धन्यवाद आप लोगों को कि हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन को पता चले कि कितनी मेहनत करते हमारे जवान। साथ ही आपने इन शहीद परिवारों को यहाँ पे बुलाया, उसके लिए भी मैं शुक्रगुजार हूँ आपका भी, और इनको मेरा नमन है।
ऐसे कई हजारों शहीदों के परिवार इस देश में हैं। मैं तो चाहूंगा किसी की भी फोटोग्राफ भारत के वीर पोर्टल पर कभी ना आए, लेकिन जब वर्दी पहनी है तो फिर ये तो प्रोफेशनल हैजर्ड है। गोली जब आती है वो रैंक्स भी नहीं देखती। हमारे सीनियर ऑफिसर्स भी, आपने देखा मुंबई में जब हादसा हुआ 26/11 को, तीन तीन सीनियर आईपीएस ऑफिसर्स की उस दिन जान गए। एडिशनल डीजी थे हेमंत करकरे साहब, उन्होंने काफी सीनियर थे। साथ ही साथ तुकाराम उमले एक सिपाही था, उसने कसाब को पकड़ा। तो यही सब लोग मिलकर आज हमारे देश को सुरक्षित बनाते हैं। लेकिन साथ ही साथ जनार्दन भाई जैसे लोग, आप जैसे लोग जो दानवीर हैं, हमारे जैसे लोगों को एक संबल देते हैं, एक बल देते हैं कि पूरा देश हमारे पीछे खड़ा है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, हमारे परिवार के लिए पूरा देश खड़ा है। और मैं आप सबको एक बार फिर तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग हमेशा से इतने पावन पुण्य कार्य में जुड़े हुए हैं। आप लोगों को देख के बहुत लोग आगे बढ़ेंगे। और भावनगर में जहां भी जाता हूं भारत की वीर के लिए, जब भी मुझे बोलने का मौका होता है, भावनगर का एग्जाम्पल मैं जरूर देता हूं। सो थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों को। जय हिंद, जय भारत।